तो गाइज यार कैसे हो आप लोग एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज मैं आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फोटो बना सकते हो। गाइज आपने यूट्यूब पे काफी सारे जो है एडिटिंग वीडियो देखा होगा लेकिन आपको कोई भी दोस्तों कोई भी ट्रिक आपको असली वाला नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एकदम असली वाला ट्रिक बताया गाइज इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर कितना खतरनाक मैंने हेयर बनाया है। तो आप इस टाइप का फोटो बना सकते हो गाइज और हेयर भी दोस्तों इस टाइप का आप एडिट कर सकते हो, वो भी दोस्तों काफी ज्यादा आसानी से। तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए क्योंकि गाइज मैंने कुछ इस टाइप के फोटो को दोस्तों कितना ज्यादा खतरनाक बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख ही सकते हो क्योंकि फोटो मेरा कैसा था गाइज और कितना ज्यादा दोस्तों इसको व्हाइट किया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो काफी ज्यादा जो है खतरनाक लग रहा है गाइज, और बैकग्राउंड भी दोस्तों मैंने ग्रीन किया है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है गाइज। तो आपको मैं बताऊंगा ये वाला फोटो जो है कैसे बना सकते हो, आप भी इतना ज्यादा अपने चेहरे को व्हाइट कैसे कर सकते हो वो भी दोस्तों काफी ज्यादा आसानी थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि ये मेरा फोटो हो गया दोस्तों, और इस फोटो को दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज्यादा दोस्तों यहाँ पर ब्लैक है, कहीं कहीं दोस्तों ज्यादा व्हाइट हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों कान भी काफी ज्यादा जो है ब्लैक है गाइस। यहाँ पर आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो डॉट का चिन्ह दिखा रहा है गाइस, तो आप देख सकते हो फोटो मेरा कितना खराब है और दोस्तों मैंने इस फोटो को कितना ज्यादा हार्ड बनाया था। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले शेयर करना है इस फोटो को दोस्तों स्नैपचैट के अंदर। तो जैसा कि ये मेरा फोटो स्नैपचैट के अंदर जा चुका है, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है स्नैपचैट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि टूल्स पे सबसे पहले जाना है, और इसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक टूल इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर दोस्तों यहाँ पर एक उंगली से दोस्तों अगर आप ऊपर करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले अंबाइंस को कुछ इतना पर हाई करना है गाइस, इससे आपका फोटो और ज़्यादा खतरनाक लगेगा। और दोस्तों शेडो को थोड़ा सा बढ़ाना है और हाईलाइट को थोड़ा सा डाउन करना है गाइस, इतना आपको काम कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से सेलेक्टिव पे जाकर, और दोस्तों जहाँ भी अंधेरा होगा वहाँ पर आप सबसे पहले ऐसे ब्राइटनेस बढ़ा के सिचुएशन को कुछ इतना पर लो कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा लाल है तो ऐसे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के सिचुएशन को कुछ इतना पर लो कर देता हूँ दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपका फोटो जो है जो रेड होता है दोस्तों वो हट जाता है और वहाँ पर व्हाइट हो जाता है गाइस। तो आप ऐसा जरूर करिएगा दोस्तों, तभी आपका फोटो ज़्यादा व्हाइट होगा और फोटो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, जो कि फोटो दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर अंधेरा है तो गाइज यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ कि ऐसे सेलेक्ट करके ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, सिचुएशन में थोड़ा सा लो करता हूँ गाइज। ऐसे ही आपको भी कर लेना है गाइज, और इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फोटो को लेकर चलना है लाइट रूम के अंदर। तो मैं यहीं से गाइज शेयर करता हूँ फोटो को लाइट रूम के अंदर। तो आप भी कर लीजिएगा दोस्तों अपने फोटो को, और जैसा कि ये मेरा लाइट रूम के अंदर फोटो जा चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने लाइट रूम को ओपन करता हूँ। तो जैसे कि मेरा लाइट रूम हो गया दोस्तों, इसको मैं ओपन करता हूँ, हमारा फोटो जो इसके अंदर जा चुका है, ये मेरा फोटो दोस्तों आप देख ही सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट का लिंक दिया है दोस्तों, उसको आपको डाउनलोड करके लाइट रूम के अंदर शेयर कर देना है। उसका सेटिंग आपको कॉपी कर लेना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और दोस्तों इतना करने के बाद अपने फोटो पर जो उसको पेस्ट कर देना है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से हो जाता है पेस्ट करने के बाद। यहाँ पर दोस्तों एक ही क्लिक में आपका फोटो कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों, इतना ही दोस्तों हमको चाहिए दोस्तों। इतना आपका फोटो अगर हो जाएगा तो समझिएगा आप फोटो बना सकते हो गाइस। तो अब दोस्तों इस फोटो को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से शेयर कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं क्या करता हूँ कि स्नैपचैट के अंदर फिर से शेयर करता हूँ गाइस। यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा है, तो उसको मैं एकदम अच्छे से लाइट वगैरह दे देता हूँ जिससे हमारा फोटो बाद में दोस्तों ब्लैक ना लगे। तो यहाँ पर दोस्तों रेड है और थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट कम है, तो ऐसे ब्राइटनेस बढ़ा के सिचुएशन कुछ इतना पर करता हूँ गाइज। ऐसे दोस्तों आपको भी कर लेना है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो कितना तो फोटो हार्ड लग रहा है। तो इतना काम करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर भी थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है दोस्तों, और फोटो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है यहाँ पर, तो इसको भी मैं वैसे कर लेता हूँ, और कानों के पास भी यहाँ पर लाल है तो इसको भी मैं वैसे कर लेता हूँ दोस्तों। इतना आपको काम क्या है कि कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको हेयर बनाना है तो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पर टूल्स पे जाके और डिटेल को दोनों को दोस्तों इन दोनों को दोस्तों आपको कुछ इतना पर फुल कर देना है गाइज, हाई कर देना। अब दोस्तों सही करना है, इस पे जाना है गाइज, यहाँ पर व्यू एडिट पे जाना है और डिटेल पे क्लिक करके बीच वाले पर क्लिक करने का। अब दोस्तों अपने हेयर पर सिर्फ हम इसको लगा देंगे ये वाला इफेक्ट को, आप देख सकते हो इफेक्ट कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है गाइज, क्योंकि पूरा क्वालिटी हार्ड हो चुका है गाइज। तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ गाइज, इतना आपको काम कर लेना है यहाँ पर, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है फोटो। तो ऐसे ही दोस्तों आपको कर लेना है, तभी आपका फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से होगा, इस पर टूल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, ऑल पेंटिंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगेगा। ऐसा दोस्तों आप भी कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे हेयर पर कर लेना है और आपको कहीं नहीं करना है, सही कर लेना है दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों इसको आपको सेव कर लेना है, और दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको डायरेक्ट ओपन करना है पिकट को।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो मेरा फोटो है दोस्तों, इसका कपड़ा का जो कलर है वो दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा सिचुएशन कम हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपने पुराने वाले फोटो को, जो कि ये मेरा पुराना वाला है गाइज, इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, और अपने कपड़े पर जो है इसका जो पर्सन पर करूँगा तो गाइज ये मेरा पहले वाला आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसको मैं क्या करते हैं मिटाने वाले पर जाकर इसको मैं मिटाता हूँ, सिर्फ अपने जो मेरा जो फेस है उस पर मिटा रहा हूँ और हाथों पर दोस्तों, कपड़े पर का मैं वैसे के वैसे छोड़ देता हूँ गाइज। इससे क्या होता है कि हमारा पुराना वाला कपड़ा यहाँ पर आ जाता है गाइज, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है पुराना वाला कपड़ा हमारा। तो पुराने वाले कपड़े को ही दोस्तों मैं रहने देता हूँ, तो इन सबको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही कर लेना है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से दोस्तों आपको भी कर लेना है दोस्तों। अब हमारा फोटो अच्छा लग रहा है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो इतना दोस्तों आपको काम कर लेना है, तो इसको सही कर देना है। और बैकग्राउंड को दोस्तों यहाँ से आपको कलर कर देना है, इफेक्ट पे जाना है, कलर पे चले जाना है, जो कि आपको यहाँ में मिल जाएगा गाइज कलर वाले पे, कलर रिप्लेस पर क्लिक करके बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइज। तो मैं सिंपल से आपको ग्रीन पर बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड पे कर देना है गाइज, इतना करके आपको बैकग्राउंड पे कर देना है, इसको सही कर देना है। अब दोस्तों इसको कर लेना है सेव, सेव करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि इसको ब्लर करना है, तो हम फोटो रूम का यूज करेंगे। यहाँ पर गाइज हम जो अपने फोटो को ब्लर करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये मेरा फोटो हो गया दोस्तों, आप फोटो को तो देख ही सकते हो गाइज। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको देख ही सकते हो, यहाँ पर जो लकीर है ऊपर नीचे गाइज हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फोटो ब्लर हो जाएगा गाइज। और यहाँ पर आपको ब्लर वाला ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा गाइज, आपको नीचे में जाना है गाइज, जहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग क्लासेस लिखा होगा गाइज। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल ब्लर दोनों का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपको सिंपल से ब्लर वाले पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कितना ज़्यादा हार्ड ब्लर होता है और कैसे होता है। तो आपको ब्लर वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको ये वाला ब्लर नहीं चाहिए गाइज, हमको हार्ड वाला करना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा नीचे में जाना है, ब्लर पे क्लिक करके, दो नंबर वाला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ लगभग 31 या 32 करता हूँ गाइज। इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ कि सेव कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर ऐड आता है, इसको कट करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दूंगा, हमारा फोटो गैलरी में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट अपने पिकट को ही ओपन करता हूँ, आप यहां पर देख सकते हो पिकट ओपन हो चुका है। और दोस्तों हम अपने फोटो को यहां पर ले लेते हैं गाइज, तो यहां पर फोटो रूम का जो लोगो आया गाइज उसको हमको हटाना है, तो मैं पिकट से आपको हटा के दिखाता हूं। आपको पुराने वाले फोटो को यहां पर क्या करना है कि ऐड कर देना है, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं, इसको दोस्तों आपको ऐड करके और यहां पर क्या करना है कि इनवाइट पर क्लिक करके इसको मिटा देना है गाइज, क्योंकि आपका पुराना वाला हो जाएगा गाइज, आप देख सकते हो ब्लर भी होगा और फोटो रूम का लोगो भी हट गया। और दोस्तों यहाँ पर एक टैक्स PNG हमको लगाना है, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा गाइज। और अब दोस्तों यहाँ पर PNG किस टाइप से लगाएंगे, ये मेरा हो गया PNG दोस्तों, यारों का यार, इसको हमको यहाँ पर क्या करना है कि लगाना है, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया गाइज। अब दोस्तों यहाँ पर एक इस वाले पे जाके यहाँ पर, और ये जो लाइट है हमको इसको थोड़ा साइड में मैं इसको लगाता हूँ इतना पर गाइज, आप देख सकते हो अभी लगा लीजिएगा आपका मन करे तो गाइज, तो इतना पर करके आपको सही कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है कि आप इतना काम होने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। अब दोस्तों क्या करें कि डायरेक्ट हम टूलविच को ओपन करते हैं, जो कि ऑयल पेंटिंग के लिए टूलविच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइज। तो यहाँ पर हम अपने फोटो को ले लेते हैं, जैसा कि ये मेरा फोटो हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट पे चले जाएंगे, सॉफ्ट स्मूथ पे जाएंगे और मास्क वाले पे क्लिक करके यहाँ पर, सॉरी इफेक्ट वाले पे क्लिक करके काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं 6 नंबर वाला कर देता हूँ गाइज, जो कि कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है गाइज आप देख ही सकते हो। मास्क पे क्लिक करके, क्लियर पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों अपने हेयर पर इसको लगा दूंगा गाइज, आपको भी लगा लेना है अपने हेयर पर सिर्फ, और दोस्तों आपको कहीं भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपने हेयर पर लगाना है, जो कि आपको दिखाता हूँ लगा कर किस टाइप का लगता है लगाने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, हेयर मेरा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑयल पेंटिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी ऑयल पेंटिंग लगाना है गाइज, तो आप क्या करना है कि टूलविच को डाउनलोड कर लेना है आपको। ये देखिए गाइज हमारा ऑयल पेंटिंग लग चुका है, कितना ज़्यादा फोटो अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं सही करके अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से दोस्तों फोटो हमारा सेव हो चुका है। तो इतना काम होने के बाद अगर दोस्तों आपके फ़ोन में रिमनी होगा तो रिमनी का यूज कर लीजिएगा, मैं आपको रिमनी का यूज करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब फोटो को करते हैं स्मूथ, तो हम क्या करेंगे कि इस फोटो को लेकर चलेंगे स्नैपशीट के अंदर।
और वहाँ पर आपको बताऊंगा कौन सा ब्रश जो है आपको यूज करना है जिससे आपका फेस काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे में चले जाएंगे जो आपको ये वाला ब्रश लेना है और सेटिंग आपको कुछ इतना पर रख देना गाइज। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों ये वाला ब्रश और सेटिंग कुछ इतना पर गाइज। और दोस्तों यहाँ पर फोटो को करना है जूम और साइज को कर लेंगे लगभग इतना पर गाइज, 60 या 70 कर लेंगे। अगर आप रिमी यूज किए हो तो आपको दोस्तों ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको स्मूथ करना है जो कि आप देख सको फोटो कितना अच्छा लग रहा है स्मूथ होने के बाद। तो ऐसे ही दोस्तों आपको क्या कहना है कि स्मूथ करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा इस वीडियो को दोस्तों, सॉरी इस फोटो को दोस्तों पूरा का पूरा स्मूथ करके आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो ऐसे ही आपको भी कर लेना है, इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है और इतना हमारा फेस जो है स्मूथ हो चुका है। तो अब मैं इसको करता हूँ गाइज, तो यहाँ पर ऐसे पहले मिला देता हूँ गाइज, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रश को रगड़ता हूँ गाइज और यहाँ पर साइज को छोटा करके इसको मैं अच्छे से मिला देता हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपको भी करना है, देख लीजिए मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको भी करना है, तभी आपका फोटो जो है फेस स्मूथ होगा और अच्छा लगेगा दोस्तों। फेस स्मूथ काफ़ी ज़्यादा सबको अच्छा लगता है गाइज, तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा जब फेस स्मूथ कर लीजिएगा। यहाँ पर इतना काम दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ स्मूथ, ऐसे ही आपको भी कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ इसको और हमारा फोटो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि कानों को करूँगा, तो इसको मैं इस टाइप से करता हूँ गाइज, आप देख सकते हो पहले ये सीधा है तो गाइज इसको मैं इस टाइप से कर लेता हूँ, इसके बाद अंदर का करता हूँ गाइज, थोड़ा थोड़ा आपको करना है इसको, यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर साइज को फिर से वहीं 60 या 70 करके गर्दन को करना है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो चुका है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों हाथों को करेंगे, तो साइज को वहीं रहने देते हैं और ऐसे ऐसे हमको रगड़ देना है हाथों पर और हमारा हाथ भी स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। और यहाँ पर साइज को छोटा करके इसको मैं अच्छे से मिला देता हूँ। इतना काम आपको कर लेना है दोस्तों, आपको फेस स्मूथ, आशा करता हूँ आपको फेस स्मूथ आया होगा गाइज। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा आसानी से मैं कर रहा हूँ फेस स्मूथ, बहुत ज़्यादा गाइज आसान है फेस स्मूथ करना। और दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो में गाइज देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में डाला है गाइज जो कि मैंने फेस स्मूथ के बारे में बताया और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो आप वीडियो को दोस्तों देख लीजिएगा तभी आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से फेस स्मूथ करना आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज हमारा इतना काम होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो फेस स्मूथ हो चुका है, हाथ भी स्मूथ हो चुका है। तो अब दोस्तों इसको मैं अच्छे से पहले मिलाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है गाइज, तो अब दोस्तों एकदम अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों ओठों को लाल करेंगे, तो इस प्लस पे क्लिक करके और ऊपर में दोस्तों चले जाएंगे, यहाँ पर ये वाला ब्रश लेंगे और यहाँ पर ये जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर हम दोनों को लाल कर देंगे और अपने ओठों पर दोस्तों हम इसको लगा देंगे गाइज, इस टाइप से लगा देंगे देख सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको भी मैं लगा देता हूँ गाइज, यहाँ पर देख सकते हो। इतना काम आपको कर लेना है और इस वाले पे जाकर इसका जो ऑपेसिटी है कम कर देना है, इतना पर कर देना है आपका फोटो एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। इसको दोस्तों आप क्या करना है कि सेव कर लेते हैं और इतना करने के बाद आपको फोटो को लेकर चलना है सीधे लाइट रूम के अंदर, वहाँ पर गए आपको लाइट एडजस्ट करना बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और यहाँ पर फोटो सेव हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों फोटो को लाइट रूम के अंदर लेकर चलते हैं, तो चलिए दोस्तों जैसा कि ये मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है तो लाइट रूम के अंदर इसको मैं लेकर चलता हूँ, वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइट एडजस्ट करना आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप भी दोस्तों वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइट रूम ओपन हो रहा है गाइज, आप देख सकते हो लाइट रूम को ओपन हो चुका है और हमारा फोटो भी यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे, हाईलाइट को कुछ इतना पर कम करेंगे, शेडो को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, व्हाइट को कुछ इतना पर कम करके ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतना आपको काम कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद कलर पे जाके इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, मिक्स पे जाना है गाइज, पहले वाले को थोड़ा सा हाई करना है, दूसरे वाले को दोस्तों आपको जितना फेस व्हाइट करना है दोस्तों व्हाइट कलर का करना है, तो आप सिचुएशन को यानी बीच वाले को दोस्तों आपको लो करना है, इतना पर करके आपको इसको करना है तो फेस पर लाइट आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले कैसा था एंड इसके बाद कितना का व्हाइट हो चुका है दोस्तों। ऐसे ही आप भी कर सकते हो व्हाइट अपने फेस को। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रीन वाले पे जाके इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, कुछ ऐसा कलर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बंदों को, तो ऐसा मैंने कलर कर दिया। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ जो कि मेरे कपड़े का कलर है गाइज, इसको मैं कुछ इतना पर ही रहने देता हूँ गाइज जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है गाइज।
तो यहाँ पर हमारा फोटो जो है बन चुका है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।